लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। गोगाबान के अदलपुरा क्षेत्र में भेड़ों के बाड़े में अज्ञात जानवरों ने हमला कर दिया। हमले में भेड़ों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अदलपुरा गांव के निवासी मीठाराम वर्मा भेड़ पालन का काम करते हैं। मीठाराम वर्मा ने गांव में भेड़ पालन के लिए बाड़ा बना रखा है। वर्मा ने बताया कि बीती रात को अज्ञात जानवरों ने हमला कर दिया, जिसमें 6 भेड़ों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। गांव के रेवाराम ने बताया कि 5 भेड़े अभी भी लापता है। सूचना मिलते ही गोगावान पुलिस और वन विभाग की टीम ने पंचनामा बनाया। गांव वालों ने भेड़ों पर सियार और भेड़ियों के हमले की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। आज जो है ये हमारे भाई मिठराम भाई, मतलब गरीब आदमी रहता है, वो भेड़ बकरी पालता है, लेकिन आज रात में जो है कोई अज्ञात जानवर आया और वो बाड़े में घुस गया और करीबन ये 5-7 जानवर उनको तो वो खा गया, और 6 जानवर उनको तो ये खाए हुए पड़े हैं, और 5 जानवर को लापता है वो ले गया यहाँ से बाड़े में से उठा के, और 3 जानवर करीबन घायल और पड़े हैं। ये कितने बजे की बात होगी रात? ये करीबन 2:30 बजे रात की बात है। ये अनुमानित गाड़रों की कीमतें कितनी हो सकती है? ये अनुमानी मतलब ये मान के चलो कि 70-80 हज़ार रुपये का, मतलब ये 7,000-8,000 की मतलब धन था। तो ऐसा क्या हो सकता है कोई जानवर? ये तो अब हम तो रात के समय में अंधेरी रात में बिता ही नहीं सकते कि कौन सा जानवर आया और इसी हालत करके जानवर आया, एक आया कि दो आए कि बागड़ कूद के और इधर ये बाड़े में घुसा, इधर कौन सा जानवर था ये तो हम नहीं बिता सकते। आपका शुभ नाम क्या? रेवाराम भाई गोताखोरी। कहाँ रहते हैं? यहीं अदलपुरा। ये हमारे मिठाराम भाई।